पासपोर्ट से ना सिर्फ आप विदेश जा सकते हैं बल्कि आप चाहे तो अपने पासपोर्ट का इस्तेमाल इंडिया में किसी भी जगह पर आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ या बर्थ प्रूफ के तौर पर बिल्कुल आधार कार्ड के जैसा ही यूज़ कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ECR और ECNR दोनों तरह के पासपोर्ट बनाने का कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखें और हाँ, आप चाहें तो किसी का भी पासपोर्ट बनाकर एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पासपोर्ट सेवा पोर्टल के इस पेज का डायरेक्ट लिंक मिलेगा। इसे आपको अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में ओपन करना है। इस तरह का एक पॉपअप आएगा, इसे आप यहां से कट करेंगे। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहां पर आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुलकर आएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, रजिस्टर टू अप्लाई एट पर आपको पासपोर्ट ऑफिस ही सेलेक्ट रहने देना है। पासपोर्ट ऑफिस में आएंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहां से आपको अपने नज़दीकी स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है या अगर आप इन सारे स्टेट में से किसी भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट को आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहां पर पटना में रहता हूं या पटना बिहार में आता है, तो यहां पर अगर आप बिहार में रहते हैं तो यहां पर पटना सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी आपका नज़दीकी स्टेट होगा उसे आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम देना है। आपका अगर कोई सरनेम है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं या सरनेम देना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। गिवन नेम में ही आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम देकर नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, कैलेंडर ओपन होगा। इस कैलेंडर से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपना एक वैलिड ईमेल आईडी देंगे। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने इस ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं या नहीं। तो मैं ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर यस पर क्लिक करूँगा। तो आप भी यहाँ पर आप यस पर ही सेलेक्ट करेंगे। लॉगिन आईडी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। पासवर्ड यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना है। पासवर्ड का सैंपल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको पासवर्ड क्रिएट करके उसे आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसी पासवर्ड को नीचे आप कंफर्म करेंगे। हिंट क्वेश्चन में आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है। अगर आप अपना लॉगिन आईडी या पासवर्ड भूल जाते हैं तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड को फॉरवर्ड करने में हिंट क्वेश्चन आपको मदद करेगा। तो यहाँ पर आप कोई भी हिंट क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर फेवरेट कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना फेवरेट कलर दूंगा। जो भी आपका फेवरेट कलर होगा उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है। इस कैप्चा कोड को देखकर नीचे आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का मैसेज आएगा। अब आपको अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने ईमेल आईडी को ओपन करना है। आपके जीमेल पर एक मेल आया होगा पासपोर्ट एडमिन की तरफ से, इसे आपको ओपन करना है। ओपन करते ही यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा। नीचे आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगा, इस ब्लू वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपको अपना ईमेल आईडी देना है। जो ईमेल आईडी आपने दिया था उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर एंटर करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज़ बिन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉग इन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अब आपसे यहाँ पर लॉग इन आईडी मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी ही देना है। चूंकि आपने अपने ईमेल आईडी को ही लॉग इन आईडी बनाया था तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी देकर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर उसी पासवर्ड को एंटर करेंगे जिसे अभी आपने क्रिएट किया था। इस कैप्चा कोड को देखकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे। आप चाहें तो पासपोर्ट के लिए ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या आप चाहें तो पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको फर्स्ट वाले मेथड में आना है। नीचे आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपने स्टेट के नेम को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सभी स्टेट के नेम मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के नेम को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, सभी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आएगी। यहाँ से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के नेम को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहां पर आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहां पर आपसे कुछ ऑप्शन पूछी जा रही है। तो यहां पर आपको अप्लाइंग फॉर पर फ्रेश पासपोर्ट को सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ एप्लीकेशन में आपको नॉर्मल को सेलेक्ट करना है। बुकलेट टाइप में आपको यहां पर 60 पेजेस को सेलेक्ट करना है। फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको एप्लीकेंट का डिटेल देना है। गिवन नेम में यहां पर आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम देना है। अगर कोई सरनेम है तो उसे आप यहां पर दे सकते हैं, वैसे सरनेम देना यहां पर ज़रूरी नहीं है। नीचे आएंगे, यहां पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपको कोई दूसरे नामों से जाना जाता है या नहीं। अगर जाना जाता है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करके आपको डिटेल देना होगा। अगर नहीं जाना जाता है बस आपको यहाँ पर नो को सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है क्या आपने अपने नाम को कभी चेंज किया है या नहीं। तो मैंने अपने नाम को कभी नहीं चेंज किया है तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट करूँगा।
फिर यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, एक कैलेंडर ओपन होगा। इस कैलेंडर से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान रखें, उसी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करें जैसा डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपका जन्म स्थान इंडिया से बाहर है या नहीं, तो आपको यहाँ पर इसे नो ही सेलेक्ट रहने देना है। यहाँ पर आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ बताना है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है। यहाँ पर आपको अपने गांव, मोहल्ले या सिटी का नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने स्टेट या यूटी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, सभी स्टेट की लिस्ट आएगी। यहाँ से आपको अपने स्टेट के नेम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के नेम को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, सभी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आएगी। यहाँ से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के नेम को सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर आपको मैरिड सेलेक्ट करना है। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर आपको सिंगल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपका सिटीजनशिप कैसा है। अगर आप इंडिया में जन्म से ही रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको बर्थ सेलेक्ट करना है। अगर आप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवा कर रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास पैन कार्ड और वोटर आईडी है तो आप चाहें तो यहाँ पर पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का नंबर दे सकते हैं। वैसे पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पर देना ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो दे भी सकते हैं या आप इसे छोड़ भी सकते हैं। नीचे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप को बताना है। सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करना है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपको प्राइवेट सेलेक्ट करना है। अगर आप बेरोजगार हैं तो यहाँ पर आपको नॉट एम्प्लॉयड सेलेक्ट करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप चाहें तो स्टूडेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं या आप चाहें तो यहाँ पर अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है क्या आपके गार्जियन या आपके पेरेंट्स में कोई भी सरकारी नौकरी करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो बस आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है। सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आप 7th पास हैं, 8th पास हैं या 9th पास हैं तो यहाँ पर आपको उसे सेलेक्ट करना है। अगर आप 10th पास हैं या ग्रेजुएट पास हैं तो यहाँ पर आप उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, अगर आप 7th, 8th या 9th को सेलेक्ट करते हैं तो आपका ECR पासपोर्ट बनता है। अगर आप 10th या ग्रेजुएट को सेलेक्ट करते हैं तो आपका ECNR पासपोर्ट बनता है। ECR और ECNR पासपोर्ट क्या होता है, इस पर मैंने डिटेल वीडियो पहले ही बना रखी है। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो में ECR पासपोर्ट बनाने वाले हैं, यानी कि 7th, 8th और 9th पास लोगों का पासपोर्ट कैसे बनता है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 8th या 9th सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या एप्लीकेंट नन ECR कैटेगरी के लिए एलिजिबल है या नहीं। मैं आपको बता दूं कि नन ECR कैटेगरी को ही ECNR पासपोर्ट भी कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप 10th पास होते हैं तो आपका ECNR पासपोर्ट बनता है। अगर आप 7, 8 या 9th पास होते हैं तो आपका ECR पासपोर्ट बनता है। तो चूंकि हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 7, 8 या 9 को सेलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पर ECR पासपोर्ट बना सकता हूँ। तो बस अगर आप 10th पास हैं तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है। अगर आप 10th पास नहीं हैं तो यहाँ पर आपको बस नो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके शरीर पर कोई मार्क है तो उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं या आप इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो आधार कार्ड नंबर दे सकते हैं या आप इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना कंसेंट देकर सेव माई डिटेल पर क्लिक करना है। फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको फादर नेम या लीगल गार्जियन नेम देना है। फर्स्ट नेम और मिडिल नेम को लिखेंगे। अगर कोई सरनेम है तो सरनेम दे सकते हैं या आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर फादर नेम या लीगल गार्जियन नेम दे दिया है तो मदर नेम यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। लीगल गार्जियन नेम को भी आप छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर आपको अपने वाइफ का नाम भी दे देना है। अगर कोई सरनेम है तो सरनेम दे सकते हैं या आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस इंडिया के बाहर है या नहीं, तो इसे आपको नो ही सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम देना है। आप चाहें तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको विलेज, टाउन या सिटी का नाम देना है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट पहले से सिलेक्टेड होगा। पुलिस स्टेशन में आएंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपने पुलिस स्टेशन के नेम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पिन कोड देना है। यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर देंगे, टेलीफोन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप छोड़ देंगे। यहाँ पर आप अपना एक वैलिड ईमेल आईडी देंगे। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस है या नहीं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर आपको यस पर सेलेक्ट करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है तो बस आपको नो पर सेलेक्ट करके सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
अगर आपका कोई परमानेंट एड्रेस है तो जब आप यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे फिर से यस नो पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना है। फिर आप यहाँ पर अपना अपना एक परमानेंट एड्रेस देंगे, फिर आप सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो बस आपको यहाँ पर यस पर सेलेक्ट करना है। जैसा आपका यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस होगा वही आपका परमानेंट एड्रेस में चला जाएगा, ठीक है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है तो बस आपको सिंपली नो पर सेलेक्ट करके सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना है। आप चाहें तो यहाँ पर अपने भाई या किसी भी फ्रेंड का डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पर उनका नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, एक मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर देना ज़रूरी नहीं है। सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करके फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे कुछ पूछा जा रहा है। फर्स्ट वाले ऑप्शन को आपको नो ही सेलेक्ट रहने देना है। सेकंड वाले ऑप्शन में आपसे ये पूछा जा रहा है क्या आपके पास इससे पहले किसी भी तरह का पासपोर्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको सिंपली सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन को छोड़ देना है, ठीक है। क्या आपने इससे पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है या नहीं। अगर किया है तो आपको यस करना होगा, अगर नहीं किया है तो बस आपको नो को क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करना है, फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको यस या नो में जवाब देना है। आप चाहें तो इन सभी क्वेश्चन को पढ़कर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यस या नो में जवाब दे सकते हैं। वैसे नॉर्मली इन सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर नो नो में ही होता है, तो आप चाहें तो इस तरीके से सभी में नो नो क्लिक करके नीचे आप सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इन सभी क्वेश्चन को पढ़कर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। आपके सामने आपके पासपोर्ट का प्रीव्यू आएगा, इसमें आपकी सभी डिटेल लिखी होगी। एक बार आपको इन सभी डिटेल को देखकर दोबारा चेक कर लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें दिया गया डिटेल बिल्कुल सही है तब आपको नीचे जाकर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें दिया गया डिटेल कुछ भी गलत है तो आप चाहें तो प्रीवियस पर क्लिक करके अपने इन सभी डिटेल को दोबारा से एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये बताना है कि प्रूफ ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए यहाँ पर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने वाले हैं। तो सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको आधार कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहें तो प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड ही दे सकते हैं। इसी तरीके से आप चाहें तो एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड ही दे सकते हैं। सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही आधार कार्ड का ऑप्शन दिख जाएगा, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि सिर्फ आप आधार कार्ड से ही अपना पासपोर्ट बना सकते हैं, दूसरी कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप एसएमएस सर्विस लेना चाहते हैं या नहीं। अगर आप एसएमएस सर्विस लेते हैं तो यहाँ पर आपको ₹50 का पेमेंट देना होता है, ठीक है। एसएमएस सर्विस में आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका पासपोर्ट कौन से स्टेज में पहुँचा है, उसका क्या स्टेटस है, ये सारा कुछ आपके मोबाइल में एसएमएस के द्वारा ही बता दिया जाता है। अगर आप एसएमएस सर्विस नहीं लेना चाहते हैं तो बस आपको नो को सेलेक्ट करना है, फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आप इसमें सर्विस लेना चाहते हैं तो बस आपको यहाँ पर यस को सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर ₹50 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसमें सर्विस नहीं लेना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर नो सेलेक्ट किया है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको प्लेस में अपने गाँव मोहल्ले या शहर का नाम देना है, फिर इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, फिर यहाँ पर सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करके फिर आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करके अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है। इसके लिए आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। आप चाहें तो पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI से पे कर सकते हैं, या आप चाहें तो SBI चालान के थ्रू भी पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट को पे करेंगे, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेमेंट करने से पहले हमें अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर पहले अपॉइंटमेंट ही शेड्यूल कर लेते हैं। साइड में यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट के किस पासपोर्ट सेवा केंद्र में कब स्लॉट खाली है, तो उसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट को खोज सकते हैं। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के सामने यहाँ पर डेट अवेलेबल बताता है तो इसका मतलब है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के पासपोर्ट सेवा केंद्र में स्लॉट खाली है, वहाँ आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर लेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको लोकेशन में आना है, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको उस लोकेशन को सेलेक्ट करना है जिस लोकेशन में अपॉइंटमेंट अभी खाली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इस कैप्चा कोड को देने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर 2000 का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे।
आप चाहें तो ये पेमेंट SBI नेट बैंकिंग, SBI ATM कार्ड या किसी भी बैंक के ATM कार्ड से पे कर सकते हैं, या आप चाहें तो UPI से भी इस पेमेंट को पे कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पेमेंट को ATM कार्ड से पे करेंगे, क्योंकि ATM कार्ड से पे करने पर यहाँ पर कोई भी चार्जेस हमें नहीं देना है। तो इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करते इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना ATM कार्ड नंबर देना है, उसका एक्सपायरी डेट देंगे, यहाँ पर कार्ड होल्डर का नाम लिखेंगे, जैसा नाम आपके कार्ड पर लिखा हुआ है उसी नाम को टाइप करेंगे, CVV नंबर देंगे, इस कैरेक्टर को यहाँ पर आपको टाइप करना है, फिर आपको पे पर क्लिक करना है। आपके बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को देकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर 10 सेकेंड वेट करना है, ये वापस से आपको पासपोर्ट सेवा के होम पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पर क्लिक करना है, फिर से यहाँ पर आप अपना लॉगिन आईडी यानी कि अपना ईमेल आईडी देकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को देकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपका डैशबोर्ड आएगा, ऊपर व्यू सेव एंड सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन नंबर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने पेमेंट स्टेटस को चेक करना होगा, यहाँ पर आपको ट्रैक पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू रीवेरीफाई द पेमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ सेकंड वेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको करना क्या है कि होम पेज पर आना है, फिर से यहाँ पर व्यू सेव एंड सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, अपने एप्लीकेशन नंबर को सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक उसी तरह से आपको यहाँ से अपना अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी को देखना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको अपने नज़दीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे पासपोर्ट सेवा केंद्र मिल जाएंगे, जो भी आपके घर के नज़दीक में आता है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि ये मेरा घर के नज़दीक है तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। फिर आपको इस कैप्चा कोड को देकर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपका अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक हो चुका है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे, इसमें आपके पेमेंट का रिसिप्ट है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट का डिटेल दिख जाएगा, कौन से पासपोर्ट सेवा केंद्र आपको जाना है, उसका क्या एड्रेस होगा, किस डेट में आपको जाना है, वहाँ आपको कितने टाइम पहुँच जाना है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो आपको अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र के एड्रेस को सेव करके रख लेना है, आपको इस डेट में रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंच जाना है, वहां कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाना होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसे आपको प्रिंट आउट करके बाहर निकाल लेना है, नीचे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ओके पर आपको क्लिक करना है, फिर आपके सामने एक PDF ओपन होगा, नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही PDF में आपका ये रिसिप्ट आ जाएगा, आप चाहें तो इसे प्रिंट आउट करके बाहर निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो इसे PDF में सेव अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में कर सकते हैं, और बाद में भी आप चाहें तो इसे PDF में प्रिंट आउट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने इस अपॉइंटमेंट की डिटेल अपने मोबाइल पर SMS के द्वारा भी मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको गेट अपॉइंटमेंट SMS पर क्लिक करना है, आपके मोबाइल नंबर पर आपका अपॉइंटमेंट का डिटेल SMS के द्वारा चला जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करके बाहर निकाल लेना है, सिर्फ आपको इसी की ज़रूरत पड़ेगी और आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको सिंपली इस एक पेज को प्रिंट आउट करके बाहर निकाल लेना है, इसी में आपकी सभी डिटेल लिखी हुई है। अब आपको वहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। इसके साथ आपको अपना ओरिजिनल और फोटोकॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी लेकर जाना है। सभी डॉक्यूमेंट का आपको फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों लेकर जाना है, तभी आपका वहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो पाएगा। अगर आप मैट्रिक कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको मैट्रिक का मार्कशीट भी लेकर जाना पड़ेगा, और मैट्रिक का मार्कशीट फोटोकॉपी ओरिजिनल दोनों होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मैट्रिक पास नहीं है, 7, 8 या 9 पास है, तो वहाँ पर आपको कोई भी मार्कशीट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड आपको लेकर जाना है, आपका वहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए या तो पुलिस आपके घर पर आएंगे या पुलिस कॉल करके आपको पुलिस स्टेशन भी बुला सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन में बस आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा और आपको बस इस ऑनलाइन अपॉइंटमेंट रिसिप्ट को उन्हें दिखाना है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखें कि पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान पुलिस आपसे पैसा भी मांग सकता है, लेकिन आपको पैसा नहीं देना है, पुलिस वेरिफिकेशन बिल्कुल फ्री होता है, आपको पैसा बिल्कुल भी उन्हें नहीं देना है। पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के 15 दिन के अंदर में ही बाय पोस्ट आपके घर पर आपका पासपोर्ट बनकर आ जाएगा।
अगर एप्लीकेशन भरने के दौरान आप लॉग आउट हो जाते हैं या पेमेंट करने के दौरान आपका पेमेंट फेल हो जाता है, तो अपने एप्लीकेशन को दोबारा से उसी जगह से रिज्यूम करने के लिए या पेमेंट को दोबारा से करने के लिए आपको इसके होम पेज पर आना है। एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी यानी कि अपना ईमेल आईडी देकर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप अपना पासवर्ड देंगे, इस कैप्चा कोड को देकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। ऊपर यहाँ पर आपको व्यू सेव एंड सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका नाम भी आ जाएगा। अगर एप्लीकेशन भरने के दौरान आपका एप्लीकेशन बंद हो गया था या आप लॉग आउट कर गए थे, तो दोबारा से अपने एप्लीकेशन को उसी जगह से रिज्यूम करने के लिए यहाँ पर आपको रिट्रीव पार्शियली सेव फॉर्म पर क्लिक करना है। अगर पेमेंट करने के दौरान आपका पेमेंट फेल हो गया था, तो दोबारा से अपने पेमेंट को पे करने के लिए या स्टेटस को चेक करने के लिए यहाँ पर आपको पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। फिर नीचे यहाँ पर आपको ट्रैक पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू री वेरीफाई द पेमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका पेमेंट फेल्ड हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट यहाँ पर फेल्ड हो चुका है, तो मुझे यहाँ पर दोबारा से पेमेंट करना होगा। फिर से आप यहाँ पर व्यू सेव एंड सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, अपने एप्लीकेशन नंबर को सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। फिर जिस तरह से आपने पेमेंट करना शुरू किया था, उसी तरीके से आपको पेमेंट को पे करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और बाकी का प्रोसेस आपको नेक्स्ट पर क्लिक करके करना है।